जब मुल्क के आज़ाद होने से पहले कांग्रेस की आखिरी मीटिंग हुई और जिसमें तकसीम की तजवीज़ को कतियत दी गई, उस पूरे दौर में उलमा का जो किरदार रहा इस मुल्क को आज़ाद कराने में और इस मुल्क को मुत्तहिद रखने में। आजकल हमारे दोस्त कहते हैं कि अखंड भारत चाहिए, तो अखंड भारत रखने की सबसे ज़्यादा कोशिश उस मुल्क में मुसलमानों ने की है और मुसलमान उलमा ने की है। और कई तहरीकें, जैसे खिलाफत तहरीक का भी जिक्र आया, जाहिर है कि इसको मुसलमानों ने शुरू किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह इसमें पेश थे। रेशमी रुमाल तहरीक शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब ने शुरू फरमाई। तर्क मवालात की तहरीक बड़ी अहम तहरीक थी, मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के माल के बायकाट का फतवा मरतब किया, पूरे हिंदुस्तान से उलमा ने उस पर दस्तखत किया। नमक साजी की तहरीक, अंबाला साजिश केस हुआ था 1863 में। इसी तरह आप देखें जमीयत उलमा हिंद का क़याम, तहरीक मदारिस का क़याम जो शुरू हुआ, जलावतन हुकूमत कायम हुई। अगर इन तमाम ज़िमनी तहरीकों की तारीख आप देखेंगे तो हर जगह आपको उलमा का बहुत नुमाया रोल नज़र आएगा। और शख्सियतों में आप देखें, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के मक्तूबात में इशारा मौजूद है, लेकिन उसके बाद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ाब्ता फतवा दिया और फिर उन्हीं के सिलसिले के हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ाब्ता जहाद किया। और सैयद अहमद शहीद के मार्के बालाकोट के बाद इसका मरकज़ मुंतकिल हो गया सादिकपुर, अजीमाबाद, पटना। वहाँ के उलमा इसमें पेश रहे। और मौलाना इनायत अहमद काकोरवी, मौलाना मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा, अल्लामा फजल हक खैर आबादी। फिर उसके बाद उलमाए देवबंद की बारी आई, फिर हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। तो एक बड़े मुसन्निफ़ हैं मिस्र के, शेख अब्दुल मुनीम अन्नमिर, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी पर किताब लिखी है अरबी ज़बान में। और उन्होंने इस बात को लिखा है कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी एशिया अफ्रीका के दूसरे मुल्कों में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उससे इस एतबार से मुख्तलिफ थी कि हिंदुस्तान में हमेशा इसकी लगाम उलमा के हाथ में रही, मजहबी हलके के हाथ में रही। तो चूँकि यह तवील मजमून है, मैं सिर्फ एक दो इख्तबास इसका आखिर में सुना देता हूँ। तहरीक तर्क मवालात ही के मौके से अल्लामा शिबली नुमानी ने वो मशहूर नज़्म कही जिसमें अंग्रेज़ों को चैलेंज भी था और हिंदुस्तान के हाल इज़हार पर गम और अफसोस का इजहार भी, कि कोई पूछे कि तहजीब इंसानी के उस्तादों ये जुल्म आराइयां ताकै, ये हश्र अंगेज़ियां कब तक, कहाँ तक लोग हमसे इंतकाबें फतह अयूबी, दिखाओगे हमें जंग सलेबी का निशान कब तक। गांधी जी की तहरीक नमक साजी और खद्दर पोशी को भी उलमा ने मजहबी रंग अता किया। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर के इज्तिमा में 1931 ईस्वी में इस हदीस से इस पर इस्तदलाल किया जिसमें घास, नमक और पानी को मुबाहुल असल करार दिया है। 1946 में जो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू हुई, कम लोगों को मालूम होगा कि उसके असल मुहर्रिक मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सोहारवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्हीं की तजवीज़ पर कांग्रेस और जमीयत उलमा ने इस तजवीज़ को मंजूर किया जिसके नतीजे में मौलाना गिरफ्तार हुए और बहुत कुछ इब्तलाओं से गुजरे। यह भी एक हकीकत है कि मुकम्मल आज़ादी का नाम पहली दफ़ा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ही की ज़बान पर आया। मौलाना ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस लंदन में पूरी कुव्वत और मुजाहदाना जोश के साथ फरमाया, मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से उस वक्त लौटूंगा
जब मेरे हाथ में हिंदुस्तान की आज़ादी का परवाना होगा। तुम मुझे आज़ादी का परवाना नहीं दे सकते तो मेरे लिए इस सरजमीन में एक कब्र की जगह तो देनी पड़ेगी। और आप सब हजरात को मालूम होगा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र इस वक्त भी बैतुल मक़दिस के अहाते में है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब को अंग्रेज़ों से ऐसी नफरत थी कि फरमाते थे, अंग्रेज़ों से जंग करना जुज़्व ईमान है। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक अंग्रेज़ यहाँ से चला न जाए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाया करते थे, मेरा बस एक ही दुश्मन है और वो है अंग्रेज़। अगर कोई कुत्ता भी किसी अंग्रेज़ बहादुर को काट खाए या उस पर भूंक दे तो मुझे इसलिए खुशी होगी कि उसका और मेरा मिशन एक है। मैं मुसलमानों के साथ दूसरे मजहब के प्रेमियों को भी तलकीन करता हूँ कि इस मुल्क में मजहब की खैर सिर्फ उस सूरत में है कि अंग्रेज़ों को हम इस मुल्क से निकाल बाहर करें। मौलाना अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अंग्रेज़ों से नफरत का हाल ये था कि कहा करते थे, मैं तो उस चूटी को भी शकर खिलाऊंगा जो किसी बहादुर अंग्रेज़ को डस ले। अंग्रेज़ दुश्मनी मेरे सांस के साथ है, दीन की दीगर फ़राइज़ की तरह अंग्रेज़ से जंग करना ईमान और उनकी फ़ौजी ताकतों से डरना कुफ्र है। जंग करना ईमान और उनकी फ़ौजी ताकतों से डरना कुफ्र है। असल में ये गैर मामूली रद्द अमल था जो उस ज़माने में हिंदुस्तान के कायदीन थे और जिन हालात से हिंदुस्तान गुजरा था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तलखी इसमें महसूस होती है। अब आखिर में इस तहरीक आज़ादी के गुले सरसब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जिक्र करना चाहूँगा, जिसने ज़िंदगी के अक्सर हिस्से कैद व इसारत की दीवारों में बसर किए, रफ़ीक़ हयात के जनाजे में शिरकत से भी महरूम रहे और जिसने अल हिलाल व अल बलाग के ज़रिए हिंदुस्तान के तने मुर्दा में एक नई रूह फूंक दी और नई ज़िंदगी पैदा कर दी, जिसकी रात की करवटें इस मकसद के लिए बेसकून थी और जिसकी नम आँखें हर सुबह शाम आज़ादी वतन के तराने गाती थी और दिलों के साज को छेड़ती थी, और कांग्रेस के ऊंचे लीडरों में जिसने सबसे आखिर कराहत खातिर के साथ मुल्क की तकसीम को गवारा किया था। डॉक्टर तारा चंद मौलाना आज़ाद के बारे में लिखते हैं, इस मकसद के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी पूरी कुव्वत, अपनी बेमिसाल खिताबत, अपने मतवाज़न नज़रिए, अपने आकलाना मशवरे, अपनी वसीउ नज़र हुब्बुल वतनी, अपना उबलता हुआ जोश, अपना एहसास बरतरी, अपनी मकसदियत, यह सब उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के भेंट चढ़ा दिया। हकीकत यह है कि डॉक्टर तारा चंद का यह एतराफ़ एक ऐसी हकीकत का एतराफ़ है जो महरे नीमरोज से भी ज़्यादा रोशन और ताबनाक है, और हिंदुस्तान की तारीख आज़ादी हमेशा उस मर्द मुजाहिद को भी याद रखेगी जिसने आज़ादी की इस जद्दोजहद में भरपूर शिरकत की और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आखिरी इजलास में भी जो 600 अरकान पर मुश्तमिल थी तकसीम मुल्क की तजवीज़ की शिद्दत से मुखालफत की, लेकिन एक आवाज़ भी उसकी तायद में न उठ सकी। मेरी मुराद मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सोहारवी से है, अफसोस कि इन शहदाए कौम और जानसारान अर्ज वतन का नाम तक आज ज़बान पर नहीं आता, लेकिन ये सईद रूहें आज के हिंदुस्तान से ज़रूर कहती होंगी, तेरे निखरे आरिज़ों में, तेरे सवरे गेसुओं में मेरी सुबह की चमक है, मेरे शाम की स्याही, तुझे गर यकीन आए तो मैं आईना दिखा दूँ, तेरा हुस्न दे रहा है मेरे इश्क की गवाही। तो मैं तमाम मकाला निगार हजरात की का शुक्रगुजार हूँ।